सलाम व्यूअर्स, आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी थी। अब से कुछ घंटे कब सिद्दीक जान साहब पे हमला हुआ है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी और जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अरशद शरीफ जैसे लोग बड़े कम ज़र्फ़ होते हैं, जो दलाइल से नहीं जीत सकते, वो फिर ओछे हथकंडों पे आते हैं और घटिया हरकतों पे आते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। और सिद्दीक जान को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरा दोस्त है। तो ऐसे लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं, वो मार खाने के बाद मज़ीद स्ट्रांग होते हैं। वो जेलें, सलाखें, ये मारें, ये बड़ी मामूली चीज़ें होती हैं। जो इस फील्ड में आता है वो बहुत सोच समझ के आता है। ये मोबाइल तोड़ देने से, ये मार कुटाई करने से, ये घटिया हरकतें करने से सिद्दीक जान का ना कोई काम बंद करवा सकता है, ना कोई उसकी आवाज़ बंद करवा सकता है। तो ये जो अरशद शरीफ जैसी दिमाग की जो कम्युनिटी रखती है, ट्विटर पे हो, सोशल मीडिया की किसी भी वेबसाइट पे हो, तो ये हमेशा से घटिया हरकतें करके अपने आप को, यानी कि मनवाने की कोशिश करते रहे हैं। और वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है, आप उससे कोई जलील नहीं कर सकता। तो तुम्हारी जिल्लत अब जो है तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। और गवर्नमेंट इंशाल्लाह, हम अपील करेंगे और बाकायदा कंपेन चलाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम अपने अंजाम पहुंचोगे। और तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि सिद्दीक जान के लिए दुआ करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सिद्दीक जान को, असल में उसका जो मोबाइल है वो भी तोड़ दिया है इन खबीसों ने, जिसकी वजह से वो रिसेंटली कोई नया ट्वीट नहीं कर सका। तो वो भी हॉस्पिटल में है, इंशाल्लाह जैसे ही वो रिकवर होके बाहर आएगा तो आप सबसे मुखातिब भी होगा, और इंशाल्लाह हम दोबारा उसको एक नई मोटिवेशन के साथ देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद। सहाफत नाम है मुल्क की खिदमत का, मुल्क को पॉजिटिव वे में पेश करने का। ये सहाफत नहीं है कि मुल्क में जो अच्छी आवाज़ बुलंद कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसी घटिया हरकतें की जाए। तो ये जो अरशद शरीफ जैसे लोग हैं, ये सहाफत में काली भेड़े हैं, जिनका अंजाम बहुत अब जल्द करीब है इंशाल्लाह। ओके डियर व्यूअर्स, सिद्दीक जान के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा अता करे, और इस सारे मामलों से वो जल्द निकल के आप सबके सामने दोबारा आ सके। अल्लाह हाफिज़।